हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए क्या है, ये ओ मम्मी, डर भी लगता है कहीं काट न ले। ये 4 साल से मेरी दोस्ती में है और मैं यहाँ से चली भी जाती हूँ, बहुत दिनों पे भी आती हूँ, 4 महीने पे आऊँ, 5 महीने पे आऊँ, कभी भी आऊँ, ये पहचान लेती है और कैसे एकदम खुले में ही रहती है, किसी के घर में नहीं रहती, खुले में ही रहती है। हाँ पापा, देखिए ना यहाँ पे, यहाँ पे आइए ना पापा। खाने के लिए मांग दिया, खाने के लिए तो मांगेगी, दूध दे देना। कितने भी दिनों पे आओ ये पहचान लेती है और अपना प्यार दुलार जताने का इसका अलग ही तरीका है। बिल्लू बिल्लू इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आ जा, इधर आओ, आ जा। ये देखिए कैसे प्यार करती है, ये पूरी पूरा अपना जो बॉडी है मेरे पैर में ऐसे करके, ये देखिए, मुझे डर लगता है क्योंकि फालतू तो नहीं है, ये खुले में ही रहती है। हम लोग इसको बचपन में पाल रहे हैं ना, इसलिए यही तो बचपन में ये मेरे घर में, इसकी मम्मी ने इसको पैदा किया था मेरे घर में और इसको मैंने दुलार प्यार कर दिया, खाना दे दिया, इसके साथ खाना खेलता भी था छोटे में, और जब से ये मुझे पहचान गई है, आपसे नहाती भी थी, दूसरे के सामने म्याऊ बोलती है लेकिन मेरे सामने मी बोलती है, मी मी बिल्लू बिल्लू बिल्लू। इसके साथ बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं है। नहीं लग रहा है कि इसका बच्चा दे चुकी है कब का? हाँ तो इसका बच्चा है छोटा, बिल्लू में कुछ खाने के लिए। बिल्लू खुजली हो रही क्या? तू मेरे में ही खुजली करी क्या? अरे बाप रे, ये क्या लाके दिया इसको? दूध। इतना सारा खाली छाली दिया है रे, छाली थोड़ा सा। चलो भैया ठीक है, इसको खाना मिल गया, ये खाना खा लेगी। ये जनाब पूरा छाली छाली दिया है और किचन का दरवाजा लगाया है ना, किचन में घुस जाएगी। ज्यादा छुओ नहीं, फिर हैंड वॉश भी कर लेना बेटा, पालतू नहीं ना है, इधर उधर रहती है। हाथ धो लेना साबुन से, मैंने धो लिया। कान्हा साबुन से हाथ धो लेना, ठीक है? खूबसूरत धोती है, कोई बात नहीं, लेकिन हाथ धो लेना साबुन से, समझा? फ्रेंड्स, आज सुबह से हम लोग बैठे बैठे इंतजार करते करते थक गए और इनका ड्यूटी जाने का भी टाइम हो गया और पानी अभी तक नहीं आया है घर में, पता नहीं कैसे काम होगा, भगवान जाने। बिल्कुल हर जगह पानी खत्म है, बाथरूम में भी पानी खत्म है, किचन में ऊपर वाली जो टंकी लगी है पीने वाला वो भी खत्म है, बस बाहर में जो आंगन में टंकी है उसमें थोड़ा सा पानी है तो उसी से बाथरूम वगैरह सब जा रहे हैं और पीने के लिए भी बिल्कुल पानी नहीं है। हम लोग छुट्टी मनाने आए थे कि परेशानी झेलने आए थे, पता नहीं, और ये परेशानी अभी ही आना था। कल रात में कुछ लाइट का प्रॉब्लम था और इस समय अभी तक लाइट तो आ गया है, रात ही में लाइट आ गई थी, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया है। फ्रेंड्स बहुत दिक्कत हो रही है, ये तो बिना स्नान किए ही जा रहे हैं ड्यूटी, अब क्या कर सकते हैं, पानी है ही नहीं कहीं भी।
यहाँ तक कि पीने का भी पानी नहीं है। स्नान करने के लिए तो बहुत दूर की बात है, पीने के लिए भी पानी नहीं है फ्रेंड्स। तो पीने के लिए देखने गए हैं, कहीं चापाकल है यहाँ पे आसपास में, तो वहीं चापाकल से पानी लाने का सोच रहे हैं। तो बेटा को लेके गए हैं, दो बोतल लेके गए हैं कि कम से कम पीने के लिए तो पानी हो जाएगा, बाथरूम के लिए तो है और पीने के लिए दो बोतल लाने गए हैं। और मालूम नहीं कब पानी आएगा, तो बस यूं ही ऐसे ही बैठे हैं, कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बाल बना ली हूँ मैं अपना तेल लगा के, कोई काम था ही नहीं। है काम, घर की साफ सफाई करना, पानी नहीं है तो कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा। देखते हैं कब तक पानी आता है दोस्त। जा रहे हैं और ये देखिए पानी ला के दिए हैं, तीन बोतल में पानी लाए हैं। ये देखिए पीने का पानी तीन बोतल में लेके आए। एक दोस्त के घर से पीने का पानी लेके आए हैं। तो चापाकल से नहीं आ रहा था तो उनके यहाँ चले गए, उनका अपना घर है, उनका अपना बोरवेल है, तो उनके घर से पीने का पानी लेके आए। क्या परेशानी है यार, पीने का पानी तो आ गया फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे क्या करना है। आगे जो करूंगी दिखाऊंगी आपको। ये कर रहे हैं एंजॉय, गर्मी की छुट्टी मना रहे हैं। जब मैं ऐसे बर्तन धो रही हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि हम लोग पहले जहाँ क्वार्टर में रहते, जब बचपन में जब छोटे छोटे जब थे हम लोग, तो वहाँ भी सप्लाई पानी आता था पहले। तो जब दीदी लोग आती थी ना बाहर से, तो निश्चित रूप से पानी खत्म हो जाता था और लाइट भी चला जाता था। आज वही यहाँ पे हो रहा है। एक तो पानी की तो दिक्कत पहले से ही थी, ऊपर से और ज्यादा दिक्कत, सहो इतना सहते हैं लाइट तो कटा हुआ था, आ गया है लाइट, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया फ्रेंड्स। और यहाँ पे नीचे बैठ के सब बर्तन धो रहे हैं। बाहर जो टंकी है उसमें से पानी निकाल निकाल के धोऊंगी। काफी ज्यादा टाइम हो गया है इंतजार करते करते, फाइनली तो करना ही पड़ेगा, तब तो लाइट आएगी। खाना भी बिल्कुल सिंपल बनेगा, दाल भात चोखा। बिजनेस है, फाइनली
पानी आ गया फ्रेंड्स, जब सब काम हो गया, खाना पीना हो गया, तब जनाब ने पानी छोड़ा है। बाल्टी भर गया है और सब कूलर वगैरह में भर लेती हूँ। कूलर में भी पानी भर ले रही हूँ फ्रेंड्स। बहुत गर्मी लगी बहुत ज्यादा, अब जाके अब लेकिन अभी जस्ट खाना खाई हूँ तो थोड़ी देर के बाद ही स्नान करूंगी और बिल्कुल दोपहर भी है, अब शाम में ही स्नान करूंगी। तो यही है रेलवे क्वार्टर का फायदा भी और साइड इफेक्ट भी, जो कहिए। अब यहीं पर रहना है तो उसको तो झेलना ही पड़ेगा, और पापा के साथ रहने की अलग खुशी है, बच्चों को पूरा परिवार एक साथ है उसकी खुशी अलग है, और ये सब थोड़ी छोटी मोटी परेशानियाँ अलग है। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब